गुड इवनिंग दोस्तों, आज वीडियो लेकर आया हूं मैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था वो किया था हेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर उससे भी ज्यादा जो टेक्निकल पार्ट्स है वो है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का ही, लेकिन किसके हिसाब से पढ़ेंगे हम? आर्बिट्रेज के हिसाब से। हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में सीए फाइनल की एक ही क्वेश्चन है, हाँ एग्जामिनेशन में और भी क्वेश्चन आए हुए, तो इम्पोर्टेंट है। पूरा फोकस हमें होगा आर्बिट्रेज के लिए। एक ही एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल में हम तीन कंडीशन से क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अगर वो चीजें आप समझ जाते हो तो फिर आगे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल उठाते हैं, सपोज एक पर्सन है, राम, और राम के पास 1 लाख रुपए रखा हुआ है, और 1 लाख रुपए ना पूरे 1 साल के लिए रखा हुआ, तो दिक्कत की बात है नहीं। अब 1 साल ऐसे ही पैसा रखा हुआ तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोचेगा। तो अब वो पता लगाया एक बैंक के पास, इसका नाम लिख देता हूं बेटे मैं, बैंक ए। और बैंक ए से जाकर पूछा कि बैंक ए, अगर हम आपके पास 1 लाख रुपए जमा कर दे तो आप कितना इंटरेस्ट दोगे? बैंक ए ने कहा कि हम देंगे 10% पर एनम पूरे 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। तो अब राम सोच रहा है यार, 1 लाख रुपए अगर मैं बैंक ए में जमा करूं तो 1 साल बाद मुझे टोटल मिलाकर कितना मिल जाएगा? 1,10,000। राम कहता बैंक के, थोड़ा सा रुको मैं किसी और बैंक में जाके पता करूंगा। राम बैंक और एक बैंक के पास गए जिसका नाम मैं लिखता हूं बैंक बी। और राम बैंक बी से पूछता, भाई आपके यहां क्या मिलता है जमा करने पर? तो बैंक बी बोलता है 12% पर एनम। तो राम की खुशी का ठिकाना नहीं है, बोलता यार वाह कितनी अच्छी बात है, 10% ये 12% तो यहां जमा करने में फायदा है। लेकिन बैंक बी बोलता है, सुनो राम ऐसी बात नहीं, हमारे यहां हर 6-6 माह में ये जो रेट है ये चेंज होते रहता है। मैंने कहा सपोज समझाओ, बोले आप ज्यादा से ज्यादा 6 माह के लिए जमा कर दो 12% पर एनम के हिसाब से। मैंने कहा मुझे तो 1 साल के लिए, बोले फिर अगले 6 माह वापस जमा कर देना, लेकिन जो रेट रहेगा वो 6 माह बाद का रहेगा। मैंने कहा अभी से नहीं बता सकते, बोले अभी से नहीं बता सकते हम, वो तो हमें 6 माह बाद भी पता लगेगा। मैंने कहा ये जो 12% है वो कब के लिए एप्लीकेबल? बोले सिर्फ 6 मंथ के लिए। और ये मैंने इस बैंक से पता किया, बोले अब हम तो 12 माह के लिए जमा करवा सकते हैं, मतलब ये मेरे पास फॉर 12 मंथ पीरियड के लिए है, 12 माह के लिए, और ये जो रेट है ये है सिर्फ 6 माह के लिए जमा करवाया जा सकता है, फॉर 6 मंथ पीरियड। अब देखा जाए तो पैसे कहाँ जमा करें, मुझे 1 साल के लिए जमा करना है, ये बैंक बोलती है आप पूरे 12 माह के लिए जमा कर सकते हैं, हम आपको देंगे 10%, मतलब 1,10,000 तो मिल ही जाएगा। बैंक भी ज्यादा अच्छी लग रही, पर बैंक भी ने कंडीशन बना दे रखा है कि हम सिर्फ 6 माह के लिए जमा कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा कि अगर मैं सिर्फ 1 लाख रुपए डालूं 6 माह के लिए तो 6 माह बाद 1 लाख इंटू 1.06, 12% 12 माह का तो 6 माह का 6%, मतलब मेरे पास हो जाएगा 1,06,000 6 माह बाद। मैंने कहा पर मुझे तो 12 महीने के लिए जमा करना है, तो बोले मैंने कहा 6 माह बाद रेट क्या होगा? बोले ये हम नहीं बता सकते, ये तो उस समय जब देखा जाए, उस समय देख लेना क्या होगा, मैं बेकार में यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे नहीं मालूम कि 6 माह बाद रेट क्या होगा, परेशान हूँ बिट्टे। अच्छी तो लग रही है बैंक, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए।
अब समझना ध्यान से, ये और एक बैंक सर, इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं लिख देता हूं FRA बैंक। अब FRA बैंक मुझसे पूछता है कि राम आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ। अब सुनोगे बेटे, मैं FRA बैंक से बता रहा हूं। मैं कहता हूं FRA बैंक, राम बोल रहा है FRA बैंक कि मैं अगर बैंक ए में जमा करता हूं तो वो 12 माह के लिए जमा करवाने को तैयार है, लेकिन 10% ही ब्याज दे रहे हैं। इट मींस एक साल बाद 12 माह बाद 1,10,000 हो जाएगा। लेकिन बैंक बी अच्छी बैंक है, 12% दे रही है, पर समस्या ये है कि वो सिर्फ 6 माह के लिए बोल रही है और अगले 6 माह में जो 6 माह बाद रेट होगा ना उस रेट पे जमा कर देना। अब भाई अगले 6 माह का रेट बता नहीं रही है। अब मुझे ये डर है कि अगले 6 माह बाद अगर मैं यहाँ जमा कर देता हूँ और 6 माह बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 की जगह कम हो जाए तो मेरा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, मुझे अगले 6 माह का दिक्कत है। FRA बैंक बोलती है कि सुनो राम, चिंता मत करो, एक काम करो, आज हमारे साथ, आज ठीक, टुडे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप आफ्टर 6 मंथ, 6 माह बाद, फॉर 6 मंथ, 6 माह के लिए आप हमारे पास पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने कहा इसका मतलब है कि मैं इस बैंक में 1,00,000 रुपए जमा करूं, 1.6% कमा लूं, 1,06,000 हो जाए, फिर जैसे ही 6 माह होगा मैं ये पैसे लेके आपके यहां हूं और आप मुझे इस पर इंटरेस्ट देंगे और आप पक्का देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है। बोले हाँ। मैंने कहा कितना दोगे ये बताओ। तो वो बोल रहा है कि चलो ठीक है भाई, आप कितना चाहते हो? मैंने कहा मैं कितना चाहता हूं मतलब? बोले आप तो बताओ फिर हम उस हिसाब से बताएं। मैंने कहा कम से कम जितना यहां मिल रहा है उतना आपसे भी मिल जाए, बात खत्म। बोले देखो ऐसे कर लो, 6 माह आप यहां जमा करते 1,00,000, 6% ब्याज के हिसाब से 12%, 12 माह का तो 1,06,000 हो जाता और फिर ये 1,06,000 हमारे पास जमा करते और हमसे आप कम से कम कितना चाह रहे हो? जितना यहां मिलेगा उतना ही चाह रहे हो, मतलब 1,06,000 जमा करने पे आप हमसे और 4,000 चाह रहे हो, मतलब हम आपको 4,000 दे दे तो भी तो ये इक्वल ही हो जाएगा, हालांकि हम इससे ज्यादा देंगे, हम एक बार रेट तो निकाल ले। तो मैंने कहा हाँ आप बताओ कितना परसेंट देंगे। तो वो हिसाब किताब कर रही है कि आपको देंगे हम कम से कम 4,000 रुपए। कितने रुपए जमा करने पर? 1,06,000। परसेंटेज निकालना है तो x100, पर ये तो बेटे 6 माह का रेट हुआ और मुझे एनुअल रेट देखना पड़ेगा, x12 डिवाइडेड बाय 6, 6 माह का इतना तो 12 माह का कितना, तो ये निकल गया 4,000 डिवाइडेड बाय 1,06,000 x100 x12 बाय 6, तो बेटे ये आ रहा है 7.54%। इसको बोला जाता है थियोरेटिकल FRA। इसका मतलब मैं कहता हूं बैंक कम से कम आप मुझे 7.454% तो दोगे ही दोगे, और इससे अगर आप ज्यादा देते हो, आप अगर मुझे 8% देते हो या मुझे 10% देते हो तो मैं पक्का क्या जमा करूंगा, लेकिन अगर आप इस परसेंटेज से कम देते हो, सिर्फ 5% ही दे देते हो तो मैं आपके पास आऊंगा ही क्यों? छोड़ो यार ये झंझट कौन करे, सीधा यहीं जमा कर दे। मुझे कम से कम 4,000 तो चाहिए चाहिए आपसे, जो कि होता है 7.5%, इतना मुझे चाहिए। बेटे इस रेट का खेल है सब कुछ, इस रेट को बोला जाता है थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट, और ये फॉरवर्ड रेट कब के लिए है? आज से 6 माह के लिए, इसको ऐसे लिखा जाता है, आज ये आज से 6 माह के लिए
आज से 6 माह बाद, आज से 12 माह के लिए, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 6 × 12। आज से 6 माह बाद में जमा करूंगा, और कितने पीरियड के लिए जमा करूंगा, 6 महीने के लिए जमा करूंगा, और वो थियोरिटिकल कितना आ गया, 7.54%। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमको यहां जमा करना चाहिए कि नहीं जमा करना चाहिए। ये निकला थियोरिटिकल। अगर एक्चुअल ये वाली जो बैंक है एफआरए बैंक हमको 8% देती है तो हम तो पक्का जमा करेंगे, अगर ये हमको 9% देती है तो भी हम जमा करेंगे, लेकिन ये हमको सिर्फ 5% देती है तो सीधा मना कर देंगे। यहां तक बात समझ में? अब मुद्दे की बात है, बाकी आर्बिट्रेज में समझा रहा हूं, ये आर्बिट्रेज नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब बात ये आती है कि सर ये रेट कैसे निकाला जाता है, क्या इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है? जी नहीं, रेट निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, सुनोगे ध्यान से मेरी बात को। ये वाली बैंक के पास ये है 5, ये है 6 माह और ये है 12 माह। अगर इस बैंक के पास मैं पैसा जमा करूं, बैंक ए, तो पूरे 12 माह के लिए जमा कर सकता हूं, और ये कितना परसेंट देगी मुझे, 10%। तो 10% का फैक्टर जो होता है उसको आप 1.10 कहते हैं। इसका मतलब है 1 रुपए जमा करने पे 12 माह बाद 1.10 रुपए मिलेगा इस बैंक से। अगर यहां जमा करूं तो यहां तो सिर्फ कितने पीरियड के लिए जमा कर सकता हूं, 6। इसका मतलब 12% है तो जरूर रेट एनुअल, पर 6 माह का कितना हो जाएगा बेटे, 6%, इसको क्या बोल सकते हैं, फैक्टर 1.06, और मुझे इस पीरियड का रेट निकालना है। अब इस पीरियड का रेट कैसे निकाला जाता है, तो इस तरह से निकालो, इधर वाला पूरा ले लेते 1.10, ये वाला इधर से चलते, ये वाला फैक्टर कितना है 1.06, ये वाला × 1+R, तो R की वैल्यू निकल सकता है 1.10 / 1.06। ये वाला जो 1 है ये माइनस कर दिया, परसेंटेज में लाना है इसलिए × 100 कर दिया, इंटू ये है 6 माह का रेट, तो 12 माह का कितना, तो ये ऐसे निकल जाएगा 1.10 / 1.06 - 1 × 100 × 12/6, तो ये आ गया बेटे 7.54%। इसका मतलब हमें ये सब कैलकुलेशन नहीं चाहिए, हमें तो ये बोला, ये क्या आया है, ये आया थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट। पहले ये निकालने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको आर्बिट्रेज समझाता हूं, एक दो एग्जांपल कर लेते ताकि प्रैक्टिस हो जाए। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, और अब बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको आर्बिट्रेज वाली बात बताऊंगा सारे के सारे। तो एक एग्जांपल ये, अब ठीक से समझना, अब मैं आपसे कहता हूं 12 मंथ्स पीरियड के लिए रेट 15% पर एनम, और 9 मंथ्स पीरियड के लिए रेट है 12% पर एनम। इसका मतलब ये है 5, ये है 12 महीने, यहां से यहां तक का रेट है 15%, 15% को आप 1.15 लिख सकते हैं, यहां से यहां तक के लिए रेट है 9 मंथ, तो 12% है 12 महीने का, तो 9 मंथ के लिए रेट कितना आ जाएगा बेटे, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो 9%, इसको क्या फैक्टर जाएगा 1.09, और मुझे इस पीरियड के लिए चाहिए, तो ये जो आता है इसको बोला जाता है थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट।
और इसको लिखेंगे कैसे, 9 × 12, आज से 9 माह बाद 3 महीने के लिए, ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाएगा, ये देखो, ये तो पूरा 12 माह का, इसको लिखा मैंने 1.15, ये वाला हो गया 9 महीने के लिए, इसको लिखा 1.09 इंटू, ये वाला निकालना है, दैट इज 1 + r, तो r इज इक्वल टू 1.15, 1.09 माइनस 1 इंटू 100, पर ये जो निकलेगा ये तो निकला है बेटे 3 महीने के लिए, 3 महीने का रेट, और हमको चाहिए 12 महीने का, तो काम हो सकता है। 1.15 डिवाइडेड बाय 1.09 माइनस 1 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 22%। ठीक है, ये कौन सा एफआरए निकला, थियोरेटिकल एफआरए। अब पूरी बात समझते, अब आर्बिट्रेज स्टार्ट करते। आर्बिट्रेज में मैंने पहले भी कहा था कि मैं टोटल मिलाकर 3 केसेस करवाऊंगा, दैट्स इट, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एफआरए। अब मैं आपको आर्बिट्रेज करवाते, आर्बिट्रेज सारी बातें बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा आर्बिट्रेज। हाँ जी, अब सुनोगे ध्यान से, ये है राम, वही वाली सिचुएशन, यहां एक बैंक लिया था, कितने परसेंट के लिए लिया था बेटे, यहां लिया था सर हमने 12 माह के लिए जमा कर सकते थे, 12 मंथ्स पीरियड, और कितना परसेंट, 10%, नो डाउट पर एनम ही होगा। इसका हमने क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था बैंक ए। फिर एक कौन सा बैंक ले लिया था, बैंक बी। बैंक बी के साथ समस्या क्या थी पता है ना आपको, हाँ, ये कह रहा था कि सिर्फ आप 6 मंथ्स पीरियड के लिए जमा कर सकते हो, और कितने परसेंट पे जमा कर सकते हो, 12% पर है, ये सारी सिचुएशन है। इसके बाद यहाँ एफआरए बैंक है, एफआरए बैंक, मैंने कहा एफआरए बैंक नाम लिखना इसका, एफआरए बैंक, मैंने कहा एफआरए बैंक ये बताओ, अगर हम आपके यहाँ 6 माह बाद आते हैं, 6 माह बाद, और 6 माह के लिए पैसा जमा करते हैं, तो कितना, तो वो हमें रेट बता रहा, इसको बोला जाता एक्चुअल एफआरए, एक्चुअल एफआरए, इस तरह से बताएगा 6 × 12, 10% और 12%, उनका मतलब समझाओ भाई। बोले जमा करोगे भाई 6 माह बाद जमा करने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो 10% मिलेगा, ठीक है, और ये क्या चीज है, बोले अगर हमसे उधार लेने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो 12%, ठीक। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट 6 × 12, ये ऐसे बोल सकता एफ आर ए 6 × 12 क्वेश्चन मार्क, सर ये तो दिया है बेटे, ये वाला नहीं, ये वाला तो हो गया एक्चुअल, और हमें कौन सा निकालना है, थियोरेटिकल, मतलब एक दिया है 12 माह का रेट और एक दिया है 6 माह का रेट। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ये 0, ये 12, और यहां है 6, इस बैंक की बात करें तो सीधा जमा करें तो 1 रुपए 10 पैसे हो जाएगा, यहां जमा करें तो 1.06 हो जाएगा, और मुझे थियोरिटिकल एफआरए निकालना है यहां का, अभी निकाला है जस्ट, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो 1.10 इज इक्वल 1.06 इंटू 1 + r, तो r इज इक्वल टू 1.10 डिवाइडेड बाय 1.06 माइनस 1 इंटू 100, पर ये 6 माह का है तो 12 माह का कितना, और एक बार फिर से देख लेते हैं,
1.10 डिवाइडेड बाय 1.06 माइनस 1 इंटू 100 इंटू 12 बाय 6 7.54%। अभी निकाला है जस्ट 7.54%। अब इसको मैं मिटा देता हूं और यहां एक साइड में लिख देता हूं, बेटा कितना आया था, यहां लिख देता हूं थ्योरेटिकल 6 इंटू 12 फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 7.54%। दैट्स इट। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कैलकुलेट आर्बिट्रस। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। सर ये 7.54 क्या निकला है? बेटे ये निकला है कि मैं इस रेट पर कम से कम 7.4% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जमा करने पे मिलना चाहिए कम से कम 7%। अगर मैं इस बैंक में जमा करता हूं तो कम से कम मुझे 7.54 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जबकि सामने वाला जमा करने पे कितना दे रहा है फारे बैंक, 10%। तो सर पक्का जमा करेंगे। और सर दूसरा मीनिंग क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 7.54 इंटरेस्ट दे सकते हैं। सर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर मैं यहां से उधार लूं तो मैं कहूंगा भाई बस 7.54% से ज्यादा नहीं दे सकते हम आपको इंटरेस्ट, जबकि उधार लेने पे कितना मिल रहा है, 12% देना पड़ेगा। मन का छोटो उधार तो नहीं लेंगे, हाँ जमा जरूर कर सकते हैं। क्यों जमा कर सकते हैं, क्योंकि 10% मिल रहा है और हमें चाहिए कितना, 7.54। ये दो सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको आर्बिट्रेज समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आर्बिट्रेज समझना है। तैयार हो आप आर्बिट्रेज प्रोसेस के लिए? सिचुएशन ये है, ये 0, ये 6, ये 12 ऐसे जा रहे हैं तो 1.10 ऐसे जा रहे हो तो कितना आ रहा है बेटे, 1.06। ठीक है, अब बात यह है कि हमें करना क्या है। तो बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, अब समझना, क्या मुझे यहां जमा कर देना चाहिए, बिल्कुल जमा कर देना चाहिए। सर क्यों जमा कर देना चाहिए, क्योंकि बेटे मुझे कम से कम कितना परसेंट चाहिए, 7.54, जबकि है यहां कितना, 10। तो हाँ सर आपको इधर 10% मिल रहा है, 10% जो कि ज्यादा है, किससे ज्यादा, 7.54% से। तो मुझे यहां जमा कर देना चाहिए 10%। ठीक, 10% में मुझे जमा करना, मतलब कभी भी अगर मुझे यहां जमा करना, एक ये रूट हो गया एक ये रेट रूट हो गया, तो मैं देखो काम कैसे करूंगा। अब समझ रहा हूं, मैं जल्दी से जाऊंगा कौन सी, इस बैंक के पास, यहां फोकस करना बेटे, इस बैंक के पास जाऊंगा और इस बैंक से कहूंगा से उधार लूंगा, बैंक कहेंगी वापस, मैं कहूंगा आपको 12 महीने बाद वापस करूंगा 10% के हिसाब से। ठीक है, आर्बिट्रेज प्रोसेस अब स्टार्ट हो रहा है। इस बैंक से यहां से उधार, इस बैंक से उधार लूंगा 1,00,000 रुपए। अब मेरे पास 1,00,000 रुपए आ गया, अब उन 1,00,000 रुपए को क्या करूंगा, मैं यहां जमा कर दूंगा। ठीक, इसको लिख दो एक बार तब समझ में आएगा। सर आप क्या करोगे, मैं यहां से उधार लूंगा, बोरो ₹1,00,000, ले लिया उधार, पैसा आ गया। इस बैंक को मुझे कब चुकाना है पेमेंट, 1 साल बाद, मतलब मुझे रिपे करना है, रिपे कब रिपे करना है, आफ्टर 1 ईयर। कितना रुपए रिपे करना है, 1,10,000, क्योंकि उधार लेने का रेट अलग हो सकता है, पर बेटे अभी एक ही रेट को लेके बात करें, यही उधार का यही डिपॉजिट का, तो 1,10,000 रुपए मुझे वापस करना है।
अब ये है कि 1 लाख रुपए उधार लिए, अब करूंगा क्या बेटे 1 लाख रुपए को? 1 लाख रुपए को इस बैंक में जमा करूंगा, और कोई शक ही नहीं है कि इस बैंक में मुझे 6% तो कम से कम 6 माह का तो मिलेगा। हाँ सर, 6 माह के लिए जमा करूंगा। इन 1 लाख रुपए को यहां जमा कर दिया, इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट कितना किया? 1 लाख। तो 6 माह बाद मेरे पास कितना हो गया? 1,06,000 रुपए हो गया। सर यहां से उधार लिए हो और यहां जमा किए, तो कितना हो गया? 1,06,000। 6 माह बाद यहां से भी पैसा निकालूंगा और इनसे तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा, और इस 1,06,000 को यहां जमा कर दूंगा। मतलब ये 1,06,000 फिर यहां जमा होगा और यहां मिलेगा 1,06,000 इंटू 1.05, 10% है ना, तो 5% ले लेते हैं। तो 1,06,000 इंटू 1.05, तो बेटे ये आ गया 1,11,300। बताओ, मैंने एक भी रुपए खर्च नहीं किया। ध्यान से देखना मैंने क्या जुगाड़ लगाया। मैंने इस बैंक से बात किया सबसे पहले, कितना पैसा उठाया? 1 लाख। इस बैंक वाले से पूछा, भाई कितना देना है? तो उन्होंने कहा 1,10,000 रुपए देना पड़ेगा 1 साल बाद। मैंने कहा मैं तैयार हूं। ठीक, अब मुझे चिंता बस इतनी है 1,10,000 देना, और ये पक्का देना, ये बढ़ नहीं सकते, 1,10,000 ही देना। अब उन 1 लाख रुपए को लिया और इस बैंक में जमा कर दिया, आज ही टेंशन खत्म। मुझे भी कंफर्म हो गया कि 6 माह बाद 1,06,000 मिलेगा, और आज ही मैंने इस एफआरए बैंक से बोला कि भाई साफ साफ बताओ, आज बात करो कि 6 माह बाद क्या 10% से जमा करवा लोगे? इन्होंने कहा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक। तो 1,06,000 फिर 6 माह बाद निकाला और यहां लगा दिया 5% के, 6 माह के लिए, 10% है साल भर का। तो ठीक 1 साल बाद यहां से टोटल कितना रुपए जमा हो गए? 1,11,300। ओके, 1 साल बाद मैंने 1,11,300 लिया, इसमें से 1,10,000 रुपए वापस कर दिया और मैंने पैसे बचा लिए। और सर कितना रुपए बचा लिया? अगर देखा जाए तो 1,11,300 माइनस 1,10,000, मैंने 1,300 रुपए बचा लिया। दिस इज आर्बिट्रेज प्रॉफिट। ये बताओ कि मेरे जेब से कितना गया? 1 भी रुपए नहीं गया। मैंने दूसरों का पैसा यूज करके यहां लगा के फिर आगे लगा के कमा लिया 1,300 रुपए। 1 भी पैसा खर्च नहीं हुआ और वो जो कमाया है कोई रिस्क नहीं है। यहां इतना ही देना है, यहां से पक्का है कि मुझे 1,06,000 मिलेगा, ये भी पक्का है कि यहां जमा करूंगा तो 10% के हिसाब से, और ये भी पक्का है कि आपको 1,11,000। पहले दिन ये काम कर लीजिए, साल भर घर में बैठिए और जाइए और 1,300 रुपए कमा लीजिए। बड़ा सिंपल सा काम है। पर सर इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे एग्जाम में, ये मैं आपको समझा रहा हूं। टारगेट ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां डिपॉजिट करना है कि नहीं करना है। जी हाँ, डिपॉजिट करना, मतलब इस रूट से, इस रूट में, यहां डिपॉजिट, यहां इन्वेस्ट, मतलब यहां इन्वेस्ट। अब जब इस रूट में इन्वेस्ट तो यहां से क्या जाएगा? बोरो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे करना है मैं यहां आपको समझा रहा हूं। आर्बिट्रेज प्रोसेस, सबसे पहले बात करते हैं आज की। आज क्या करोगे? फाइनली हुआ था यहां से बोरो करेंगे, मतलब यहां से पहला डॉट दिया, उधार लिया, बोरो। कितना रुपए उधार लिया? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए उधार लिया, कितने परसेंट पे बेटे? 10% एट द रेट 10% पर एनम। और कितने साल के लिए उधार लिया है? फॉर 12 मंथ्स। पहला काम होगा, ये कब कर रहा हूं? आज। दूसरा काम, सर जो 1,00,000 रुपया है उसको आप क्या करोगे? या इन्वेस्ट। कितना रुपए इन्वेस्ट? ₹1,00,000। ये पूरा की पूरा यहां लगाया,
कितने परसेंट के हिसाब से? एट द रेट 12% पर एनम, पर कितने पीरियड के लिए? फॉर 6 महीने। मुझे मालूम है कि 1,06,000 मिलेगा। अब और एक काम करना पड़ेगा सर, 1,06,000 को 6 माह बाद लगाओगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही करना पड़ेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट एक्ट FRA 6 × 12 कितने परसेंट पे? एट द रेट 10%। 6 × 12 का मतलब समझ जाएगा कोई भी कि आज से 6 माह बाद 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट, हालांकि इसको दूसरी लैंग्वेज में सेल किया FRA ऐसे भी बोला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल FRA बोला। अब सीधे ना आप 1 साल बाद पहुंचना आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या होगा सर? क्या होगा? ये पैसा मिल जाएगा, दिस इज कैश इनफ्लो, FRA बैंक से ये पैसा मिलेगा मुझे। तो ये आ गया कैश इनफ्लोस, कितना रुपया मिलेगा? 1,00,000। इसको ऐसे निकालना चाहो तो इसको दिखा भी दो, 1,00,000 इंटू 1.06, ये वाला 1.06 इंटू 1.05, तो ये हो गया 1,13,600। ये तो मेरे पास पैसा आएगा, पर एक बैंक है जो मेरा इंतजार कर रही है, ये वाली बैंक, ये बोलेगी 1,10,000 दे तो दो। मैंने कहा ठीक है भाई, कैश आउटफ्लोस 1,00,000 इंटू 1.10 तो 1,10,000। बताओ मैंने कितना पैसा बचा लिया? मैंने बचा लिया 1,13,600 माइनस 1,10,000, 1,11,300 सॉरी 1,11,300 माइनस 1,10,000, तो मैंने 1,300 बचा लिया, और पक्का बचेगा। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, ये था मेरा केस नंबर 1, अगर एक्चुअल FRA ऐसा हो तो। अब दूसरी सिचुएशन भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन के लिए आप तैयार हो? सारी बातें फिर से समझाऊंगा और अब यहां रेट चेंज करूंगा। अब यहां दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब मैं कह रहा हूं केस नंबर 2। सपोज एक्चुअल FRA अगर ये होता बेटे 6% और 7%, जबकि हमें कम से कम कितना चाहिए? थियोरिटिकल वही है, थियोरिटिकल में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, बाकी ये सब मैं मिटा रहा हूं। अब यहां सोचेंगे फिर से, बाकी सारी सिचुएशन ऐसी है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये है 7.4, 7.54 का मतलब क्या आया था मैं आपको याद दिला रहा हूं, थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट। इसका मतलब है कि अगर मैं जमा करूं तो कम से कम मुझे इतना चाहिए ही चाहिए, जबकि मिल कितना रहा है? 6। छोड़ो जी, जमा नहीं करना, मैं कहता हूं अगर आपके यहां से उधार लूं तो बोले 7% पे ले जाओ, और मैं तो 7.54 पे तैयार हूं उधार लेने के लिए, जबकि ये वाली बैंक बोली 7% पे ले जाओ 7%। मैं कहता हां अब इधर से उधार लूंगा, इट मीन सिचुएशन अब ऐसी होगी, ये है 0, ये है 6, ये है 12, सीधा जमा करने पे कितना है 10, मतलब 1.10, इधर जमा करने पर 1.06, और इधर का क्या होना चाहिए ये निकला हुआ है। पर सामने वाली बैंक बोली कि आप 7% पे बोरो कर सकते हो, उधार ले सकते हो 7% पे,
सिर्फ 7% पे, जबकि मैं तैयार था 7%, इससे ज्यादा मैं उधार नहीं ले सकता था, मैं तो तैयार हो जाऊंगा। मतलब अब इस रूट पर क्या होने वाला है, इस रूट पे होने वाला है उधार, और इस रूट पे क्या होने वाला है, इस रूट पे इन्वेस्ट, क्योंकि अगर यहां उधार तो यहां भी उधार, और इस रूट पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट। आर्बिट्रेज कैसे निकलेगा सर? आर्बिट्रेज बड़ी आसानी से निकलेगा, बड़ा सिंपल है, सुनोगे ध्यान से। सबसे पहले तो इनसे बात करूंगा, उधार दे दोगे? बोले हाँ 7%। मैंने कहा रुक जाओ अभी, अब यहां के बैंक में पहले जाऊंगा, इधर पे उधार है, यहां के मैं कहूंगा बैंक बैंक आप मुझे पैसे उधार दो। बोले कितना? मैंने कहा 1,00,000 रुपए। अब की बार मैंने यहां से बोरो किया 1,00,000 रुपए। ये बोले 6 माह के अंदर पेमेंट करोगे? मैंने कहा 6 माह के अंदर पेमेंट कर दूंगा भाई, टेंशन मत लो। और 1,00,000 रुपए उठा के यहां इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट यहां इन्वेस्ट किया। और मैंने कहा आप कितना दोगे? बोले 10%। मतलब मैंने जो 1,00,000 रुपए यहां लगाया है 12 माह बाद तो 1,10,000 तो मुझे मिल ही जाएगा। ओके, अब समस्या कौन सी है? ये बैंक मुझे परेशान करेगा 6 माह बाद, क्योंकि मैंने इसे बोला था 6 माह बाद पैसे ले लेना। मैंने कहा कितना लोगे यार ब्याज सहित? इन्होंने कहा 1.06, 1,06,000 रुपए लाकर दे देना। मैंने कहा दे दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। और इधर जमा कर दिया तो ये तो मुझे 12 माह बाद मिलेगा, 1,10,000 जो है ना, ये तो 12 महीने बाद मिलेगा। अब यहां से उधार लिया था 1,00,000 तो ये परेशान करेगा बैंक, कहेगा 1,06,000। मैंने कहा रुको, ये है मेरी FRA बैंक। मैं कहता हूँ FRA बैंक आपने बोला था उधार देंगे? हाँ। कितने माह बाद? 6 माह बाद। कितने पीरियड के लिए, कितने परसेंट पे? बोले 7%। मैं उनका चलो उधार दो। अब जब यहां से पैसे उधार लेके इसको रिपेमेंट कर दिया, कितना रुपए रिपेमेंट कर दिया? 1,06,000 कर दिया। अब 6 माह बाद, मतलब 6 माह बाद उधार लिया, इधर पेमेंट कर दिया, अब ये बैंक मुझे ठीक 12 माह बाद बोलेंगे भाई पैसे तो दो हमारा। मैंने कहा आपका अब कितना बना बताओ? वो कहेंगे 1,06,000 आपने उधार लिया था? मैंने कहा हाँ। और आपने बोला था 6 माह के लिए? मैंने कहा हाँ। तो बोले 7% तो 3.5% ले लो। मैंने कहा बोलो कितना पैसा बनता है आपका? तो वे बोलेंगे पैसा बनता है 1,06,000 इंटू 1.035, मतलब पैसा बन रहा है 109,710। ये वाली FRA बैंक मुझसे कब मांगेगी? 12 महीने बाद। मैंने कहा रुक जाओ, मेरा कहीं पैसा जमा है, यहां जमा था ना, मैंने यहां से उधार लेके यहां जमा किया था, यहां से फटाफट से गया। मैंने कहा बैंक फटाफट से ला दो 1,10,000। लिया 1,10,000, सारी सिचुएशन समझना, यहां से ये मेरा पैसा उठाया 1,10,000 और FRA बैंक को इसमें से दे दिया 109,710। मैंने बचा लिया, कितना बचा लिया? 1,10,000 माइनस 109,710, और मैंने प्रॉफिट कमा लिया बेटे। और कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया? मैंने कमा लिया 290 रुपए का प्रॉफिट, दैट्स इट। पक्का इतना मिलेगा ही मिलेगा। सोचो, फिर से सोचो क्या सिचुएशन थी। सबसे पहला, कसम खाओ, आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमें इन्वेस्ट करना कि बोरो करना। और मैंने आपको बताया ये बेस, इससे ज्यादा, इससे कम में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जो कि 6% है, मतलब ही नहीं बनता। इससे ज्यादा में मैं उधार नहीं लूंगा, और मुझे 7 पे मिल रहा तो मैं उधार लेने के लिए तैयार हो गया। तो यहां से उधार लेना है, यहां से मतलब यहां से, तो यहां से भी उधार। अब फिर उसके बाद मैंने प्रोसेस ये किया, मैंने इस बैंक से पैसे उधार लिया 1,00,000 रुपए, और इस बैंक वाले से बोला 6 माह बाद मैं आपको 1,06,000 दे दूंगा, ये बैंक तैयार। इस 1,06,000, 1,00,000 को मैंने यहां जमा कर दिया। और मैंने कहा बैंक सुनो, मुझे 1 साल बाद 1,10,000 रुपए दे देना। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 साल बाद आ जाना, 1,10,000 ले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बैंक आपको बताओ, बैंक भी से बोला आपको क्या समस्या है? बोले 6 माह बाद 1,06,000 दोगे? मैंने कहा पक्का 1,06,000 दूंगा। मैंने FRA बैंक से बात कर चुका हूं कि 6 माह बाद मुझे पैसे लगेगा तो आपको देना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक, और कितने परसेंट पे? 7% पे। ये बात आज ही हो चुकी है, तो टेंशन खत्म हो गया। 6 माह बाद गया, यहां से 1,06,000 लिया और इसको चुका दिया। आपका टेंशन खत्म? बोले हाँ। अब इसका टेंशन बन गया,
इसको मुझे 1,06,000 प्लस 7% है तो 6 माह का 3.5%, ये सब मिलाकर 109,710 देना था। मैंने कहा रुक जाओ, मैं गया इस बैंक, पैसा निकाला 1,10, उसमें से इतना पैसा वापस कर दिया और 290 कमा लिया। मेरे जेब से कितना गया? ना 1 रुपए गया है, सब उधारी में काम चला लिया और मैंने कितना बचा लिया? 290। अब इसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे? तो एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। टुडे आज पहला डॉट दिया, यहां से उधार बोरो रुपीस 1 लाख कितने परसेंट पे? एट द रेट 12% पर एनम फॉर 6 मंथ, 6 माह के लिए। सर तो जो पैसा उधार लिया उसको इधर जमा करूंगा, इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख एट द रेट 10% पर एनम फॉर 12 मंथ्स। सर बड़ी बेवकूफी नहीं दिख रही आपको? ये दो सेंटेंस देखा तो बेवकूफी दिख रही है। देखो बेटे बड़ी अजीब सी बात, मैं उधार लूंगा 12% के हिसाब से और मैं जमा करूंगा 10% के हिसाब से। बेवकूफी, 12% पे उधार ले रहे हो, 10% पे जमा कर रहे हो? नहीं, इसका फायदा एंड उधार लिया जमा कर दिया और इससे कहूंगा भाई पक्का आप दोगे ना 7% से, तो हाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा आज। एंड कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, उधार लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया एट 6×12 FRA एट द रेट 7% पर एनम। 3 काम हो चुके हैं आज। आफ्टर 1 ईयर चेक करते कैश इनफ्लो कितना हो सकता। यहां से पैसा मिलेगा, 1 लाख जमा किया था तो 1,00,000 × 1.10 तो बेटे मिल जाएगा 1,10,000। ठीक, अब कैश आउटफ्लो, पैसा कहां जाएगा? यहां दिया था 1,06,000 तो इसे 1,06,000 उठाया था, 1,00,000 × 1.06 1,00,000 × 1.06 × 1.035 तो ये हो गया 109,710। बताओ बेटे मैंने कितना कमा लिया? मैंने कमा लिया 290। दिस इज रिस्क फ्री आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज है ये, पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन समझाया है। अब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आर्बिट्रेज पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन, क्या सिचुएशन है? अगर एक्चुअल FRA होता 6×12 7% 8%, मतलब ये 7.54 जो है ना वो इन दोनों के बीच में, यहां आर्बिट्रेज हो ही नहीं सकता। आराम से सोचना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मैक्सिमम अगर इन्वेस्ट करूं तो मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा, जबकि यहां 7% ही मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता इन्वेस्ट करने का। अच्छा उधार लेने की बात करो, इससे ज्यादा परसेंटेज पे मैं उधार ले ही नहीं सकता, जबकि सामने वाला क्या बोल रहा है 8%, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इट मीन्स अगर ये एक्चुअल FRA 7 और 8 है और इसके बीच में आ रहा 7.54, तो सिंपल सी बात है, नो आर्बिट्रेज। सर अगर इससे कम है तो इन्वेस्ट, इससे कम है तो बोरो, इससे ज्यादा है तो इन्वेस्ट, अगर ज्यादा मिल रहा है तो इन्वेस्ट करो, अगर इससे कम मिल रहा है तो उधार ले लो। ठीक है, थैंक यू, थोड़ा सा मुश्किल है पर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू बेटे।